आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का सेकेंड टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ लीफ। इससे पहले आपको स्पेशली लीव्स के बारे में एक वीडियो डिस्कस किया गया है जिसमें लीव्स एंड पार्ट्स एज वेल एज वेनेशन आपको बताया गया है, रेटिकुलेट और पैरेलल। आज हम देखते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीव्स। पहला क्या है, सिंपल लीव्स है एंड सेकेंड कंपाउंड लीव्स। तो जनरली सिंपल लीव्स ऑब्जर्व हम लोग क्या करते हैं, सपोज कीजिए ए लीफ हुआ, इस टाइप का अगर लीफ है इसको हम लोग सिंपल लीव्स बोलते हैं। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटायर लेमिना, अगर देखिए ये वाला पार्ट को क्या बोला गया, जनरली लेमिना, ये टोटल पार्ट क्या है, लेमिना। अगर लेमिना पूरी तरह से है तब भी ये सिंपल लीव्स में कहलाएंगे, ठीक है। जो किसमें कंसिडर किया जाएगा, सिंपल लीव्स। अगर इनसाइज किया हुआ है, कट किया हुआ है, जैसे कि मान लेते हैं क्या हो गया, मिडरिब, इसका नाम क्या है, मिडरिब है। सपोज इसमें ऐसे कट बने हुए हैं, एक कट बनता है और मिड रिब को टच नहीं करते हैं, यानी कि इस वाले को टच नहीं करते हैं, इंसिजन या इंसिजन जो लिखा हुआ है कि इंसिजन डू नॉट टच मिड रिब। मिड रिब को जिसमें टच नहीं करते हैं उस टाइप को भी किसमें हम लोग कंसिडर करते हैं, सिंपल लिफ में, जिसमें सिंपल लिफ ही बोला गया है। अदरवाइज अगला टॉपिक क्या हो सकता है, या अगला टाइप्स ऑफ लिफ क्या हो सकता है, जिसमें इंसिजर बनेंगे, एक कट बनेंगे लेकिन किसको टच कर देगा, मिड रिब को टच कर देगा। जैसे मान लेते सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन द इंसिजन ऑफ लेमिना रीचेज अप टू मिड रिब एंड ब्रेकिंग इनटू नंबर ऑफ लीफलेट्स। ठीक है, अब लीफलेट्स कैसे बनते हैं, सपोज यहाँ पे एक लीफ लिया गया और ऐसे ब्रेकेज बन जाएंगे आकर, किसको टच कर रहा है, इसमें किसको टच कर लेते हैं, मिड रिब को। जो कट है किसको टच करता है, मिड रिब को, जिसमें कट में मिड रिब को टच किया जाएगा और ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको क्या बोलेगा, लीफलेट। क्या है, लीफलेट्स। क्लियर, फिर से एक बार देंगे हम लोग, क्या बताएं, जिसका लेमिना कंप्लीटली है, किसी प्रकार का कट नहीं है, अगर कट है तो मिड रिब को टच नहीं करता है, तो इस टाइप के लीफ को हम लोग किसमें कंसिडर करते हैं, सिंपल लीफ में। ओके, लेकिन जिसमें कट बना हुआ है और किसको टच कर रहे हैं, मिड रिब को टच कर रहे हैं, उस टाइप के लीफ को हम लोग क्या नाम दिया है, कंपाउंड लीफ्स। और कंपाउंड लीफ्स में फॉर्मेशन किसका होगा, लीफलेट का, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो बन रहे हैं वो क्या है, लीफलेट्स है। क्लियर, अब देन इसके बाद फर्दर क्लासिफाई किया गया है इसको, कंपाउंड लीफ्स को फर्दर दो ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है, एक पेनाइटली कंपाउंड लीफ्स है अब देख पा रहे हैं, और एक है पामेटली कंपाउंड लीफ्स। पेनाइटली और पामेटली में डिफरेंसेस क्या है, मेनली जो लीफलेट होंगे, लीफलेट है वो कॉमन एक्सिस पे, जिसको हम लोग क्या नाम दिया है, रेचीज। क्या है, रेचीज, कॉमन एक्सिस पे रहेंगे, उस टाइप के लीफ को क्या बोला गया है, पिनाइटली कंपाउंड लीफ्स। फॉर एग्जांपल के यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो स्ट्रक्चर है, देखिए ये सारे लीफ किस पे हैं, ये कॉमन एक्सिस है, इस पे सारे लीफ आकर इस प्रकार से अटैच, और जो कॉमन एक्सिस है उसी को क्या बोला गया है, रेचीज। क्या बोले गए, रेचीज बोले गए। ओके, अगला है पामेटली, पाम के तरह ही, देखिए जनरली पाम के तरह ऐसे स्ट्रक्चर नजर आएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, अलग अलग लीफलेट है लेकिन ये किस पे है, एक कॉमन पॉइंट पे अटैच है, किस पे, कॉमन पॉइंट के पेटियोल्स के कॉमन पॉइंट पे अटैच रहेंगे, इस टाइप को लीफ को क्या बोला गया है, पामेटली कंपाउंड लीफ्स। और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल जो आपके बुक में है, नीम दिए गए हैं और पामेटली क्या दिया गया है, सिल्क कॉटन। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है डियर, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पे ध्यान देंगे कि बर्ड दोनों के एक्सिस में प्रेजेंट होते हैं। सपोज कीजिए अगर ऐसे लीफ है, सिंपल लीफ, यहाँ भी आपको एक्साइल बर्ड मिलेंगे, ठीक है, एक्जिलरी बर्ड प्रेजेंट होंगे, लिख लिखा हुआ है कि बर्ड प्रेजेंट इन बोथ, ठीक है, इन द एक्सिस ऑफ पेटियोल्स ऑफ बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ, दोनों में मिलेंगे, यहाँ पे बर्ड एक्जिलरी बर्ड दोनों में प्रेजेंट होंगे, बट इन कंपाउंड लीफ जो लीफलेट का फॉर्मेशन होता है, लीफलेट सपोज यहाँ पे लीफलेट बन रहा था, यहाँ पे आपके बर्ड देखने को नहीं मिलेंगे, इट मींस कि बर्ड क्या होगा, अब्सेंट होगा कहाँ पे, लीफलेट ऑफ कंपाउंड लीफ्स। ओके, आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है सिंपल लीफ का और कंपाउंड लीफ का पूरा क्लियर हो गया होगा, और कॉमेंट सेक्शन में आप लोग एग्जाम्पल देंगे कि ऐसा वाला लीफ किस में आप लोग देखें जनरली, ठीक है, आपको एग्जाम्पल कमेंट करने किसके, सिंपल लीफ के।
ओके अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फैलोटैक्सी क्या है, देन टाइप्स ऑफ फैलोटैक्सी। ओके टॉपिक रहा है हमारा फैलोटैक्सी। फैलोटैक्सी क्या है इसको देखते हैं हम लोग। साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम, किसी स्टेम पे किस तरह से लीफ का अरेंजमेंट है उसी को क्या बोला गया है, जनरली फैलोटैक्सी बोला गया है। ओके फिर से देंगे आप लोग क्या लिखा हुआ है। फैलोटैक्सी पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम और ब्रांच नोन एज फैलोटैक्सी। सपोज कीजिए जैसे स्टेम रहा, ठीक है स्टेम में कभी कभी ऐसे भी लीफ निकलते हैं, ये सीन बन गया। ठीक है कभी एक कंडीशन आप ऑब्जर्व किए होंगे, एक नोड से क्या निकल रहा है, एक ही लीफ निकल रहे हैं, एक नोड से एक ही लीफ निकल रहे हैं। तभी सीन क्या बन जाएगा कि एक लीफ से दो से अधिक लीफ भी अराइज होते हैं। ओके तो कंडीशन क्या है यहाँ पे जनरली कि फैलोटैक्सी को लीफ के फैलोटैक्सी के ग्रुप में लीफ को कितने ग्रुप में कैटेगराइज कर लिया गया, यहाँ पे अल्टरनेट एक है और एक है अपोजिट और एक है ऑरल। इट मीन डैस कि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ फैलोटैक्सी। कितने टाइप्स है, थ्री टाइप्स है। पहला क्या है सर, तो अल्टरनेट है, पहला अल्टरनेट है, सेकेंड आपको मिलेगा अपोजिट और थर्ड है ऑरल। अब अल्टरनेट वाला एग्जाम्पल यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पे थ्री डायग्राम हम बना दिए हैं, डायग्राम ए बी सी। ओके तो अल्टरनेट कहने का मतलब क्या है कि एक नोड से सपोज कि एक नोड से क्या हो गया स्टेम जहां से लीफ अराइज होता है उसको क्या बोला गया है नोड। एक नोड से एक ही लीफ निकल रहा है और वो भी किस मैनर में, अल्टरनेट मैनर में। अ सिंगल लीफ अराइजेज एट ईच नोड इन अल्टरनेट मैनर दिस इज नोन एज अल्टरनेट फैलोटैक्सी। ओके अल्टरनेट फैलोटैक्सी डायग्राम नंबर बी किसका एग्जाम्पल हो गया, अल्टरनेट फैलोटैक्सी का। ओके अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं बॉक्स में, मस्टर्ड है, सनफ्लावर है और चाइना रोज है। तो ट्रिक्स या निमोनिक्स जिसको बोल सकते हैं आप लोग कैसे याद करेंगे, तो आप क्या बना सकते हैं, हिंदी में हमने बनाया है कि मैंने क्या किया अल्टरनेट ईयर में क्या किया भाई, एमएससी किया, एमएससी। एम फोर क्या है यहाँ पे, मस्टर्ड है, एस फोर क्या है, सनफ्लावर और सी फोर है चाइना रोज। ओके और अल्टरनेट से आप क्या देखेंगे, अल्टरनेट फैलोटैक्सी, अल्टरनेट फैलोटैक्सी, एमएससी फॉर मस्टर्ड सनफ्लावर चाइना रोज। ओके क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अपोजिट फैलोटैक्सी। अपोजिट में क्या होगा, एक नोट से दो लीफ निकलेंगे और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए यहाँ पे एक नोड है, यहाँ पे टू लीव्स अराइज हुए हैं, टू लीव्स और दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्या है कि अ पेयर ऑफ लीफ अराइज एट ईच नोड लाई अपोजिट टू ईच अदर, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ इज नोन एज अपोजिट फैलोटैक्सी। क्या बोला जाएगा, अपोजिट फैलोटैक्सी। अब अपोजिट वाले को कैसे हम लोग याद किए हैं, तो हम लोग अपने हिसाब से कैसे याद कर सकते हैं। देखिए क्या हम याद किए थे, जे एच फॉर झारखंड, अपोजिट में क्या है झारखंड के हम लोग बात किए, अपोजिट में हम लोग का क्या है छत्तीसगढ़ सी जी, अपोजिट में क्या है सी जी, अपोजिट इसमें हम लोग बात करें अपोजिट और क्या है सी जी, सी फोर कैलोटॉपिस, सी फोर कैलोटॉपिस और जी फोर ग्वाभा, जी फोर ग्वाभा, अपोजिट और सी जी, अपोजिट और सी जी याद करेंगे, अपोजिट सी जी, सी से कैलोटॉपिस और जी से ग्वाभा। सेकेंड है थर्ड टाइप्स ऑफ फैलोटैक्सी और फैलोटैक्सी, इफ मोर देन टू लीव्स अराइज एट अ नोड एंड फॉर्म ऑरल, और एक गोलादार या एक सेंट्रिक फॉर्म कर लेते हैं, चारों तरफ चक्रदार बोल सकते हैं हम लोग, ऐसे एक नोड से दो से अधिक लीफ अराइज होंगे। सपोज कीजिए यहाँ पे नोड रहा, यहाँ से एक लीफ निकला टू थ्री और इस टाइप का चक्र बन जाएंगे, ठीक है ऑरल फॉर्म करेंगे, उसको बोला गया है और फैलोटैक्सी। एग्जाम्पल है एस्टोनिया, एग्जाम्पल क्या है एस्टोनिया। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है फैलोटैक्सी का वो क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। किसी को अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे, और आपको प्रॉपर वे में वन बाय वन करके लेसन को और बायोलॉजी को कवर कराया जाएगा।
तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, इस फैमिली का हिस्सा बने रहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।